अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कामरान राजपूत। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है औरत की तालीम और तदरीस और उसकी तरबियत। उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा वाकया जो कि आज ही पेश आया, जो कि वजह बनी इस वीडियो को बनाने की, वो पेश करता हूँ। आज सुबह ऑफिस आते वक्त हुआ ये कि एक रोड पे एक्सीडेंट हो गया। एक लड़का और एक लड़की बाइक पे जा रहे थे तो सामने उनका एक्सीडेंट हो गया। हम जस्ट उनके बिल्कुल पीछे ही थे, हमने ब्रेक लगाई, नीचे उतरे। लड़की को और लड़के को काफ़ी चोटें आई, लेकिन लड़की जो थी वो चुप करके मुंह छुपा के बैठ गई फुटपाथ के ऊपर। वो किसी से मदद का भी नहीं कह रही थी और इत्तफाक ऐसा था कि सब मर्द ही मर्द थे राउंड अबाउट, तो कोई उसकी मदद के लिए भी आगे नहीं आ रहा था। तो फिर एक बुजुर्ग वहाँ पे थे तो हमने उनसे कहा कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर में हमारी ये चीज़ है कि नहीं, औरत है उसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। जबकि परेशानी में, मुसीबत से बढ़ के, इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये हुआ। तो उन्होंने आगे बढ़ के उन्हें उठाया और फिर एम्बुलेंस को बुलाया गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक लड़की अपने घर में डरती है, वो अपने घर से बाहर जाने से डरती है, वो ज़माने से डरती है, वो ज़मानों की बातों से डरती है, वो ज़माने की नज़रों से डरती है, वो नज़रों में आने से डरती है, वो शादी से डरती है, वो शादी ना होने से डरती है, वो बच्चे ना होने से डरती है, वो बच्चे होने से भी डरती है, अपने बाप से डरती है, अपने भाई से डरती है, वो शादी के बाद अपने शौहर से ही डरती है। क्यों? क्या इसलिए कि वो एक औरत है, वो कमज़ोर है? ऐसा हरगिज़ नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि हमने उसे तालीम नहीं दी, हमने उसे सिर्फ दिया है तो दिया है सिर्फ डर। हमने उसे ज़माने से डरना सिखाया, हमने उसे अपने भाई से, अपने बाप से, अपने शौहर से, अपने हर चीज़ से हमने उसे सिखाया तो सिर्फ डरना सिखाया। हमने उसे कभी ये नहीं बताया कि अगर आपने डरना है तो हमें बताएं, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, हमसे तो हमने तो उसे डरना सिखा दिया है। वो तो नहीं बताएगी, वो तो डरेगी, ऐसा क्यों? अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द और औरत की शक्ल में पैदा फरमाया है। मर्द को औरत पे कुछ कुदरत हासिल है, इसका ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि औरत उसकी गुलाम हो गई। औरत तो आज़ाद है, इस्लाम ने तो औरत को सच्ची आज़ादी दी है, तो हमने उसको गुलाम क्यों बनाया, हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो बिल्कुल ठीक नहीं। हर अमल का मकाफात अमल होता है। हमने अब जहाँ अपनी बच्चियों को ये समझाया कि आपने अपनी नज़र की, अपनी इज्जत की हिफाजत करनी है, वहीं हमने अपने बेटों को ये चीज़ क्यों नहीं सिखाई, हमने उनको क्यों आज़ाद छोड़ दिया? हमने अपने बेटों को भी तो ये सिखाना था ना कि आपने अपनी नज़र की हिफाजत करनी है, क्योंकि गैर इखलाकी हरकत तो इस्लाम ने जहाँ औरत को मना की है, मर्द को भी मना की है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मर्द आज़ाद है और औरत पे सारी पाबंदियाँ हैं, औरत पे बिल्कुल पाबंदी इस तरह की नहीं है, ये तो दोनों पे है। गैर इखलाकी हरकत तो दोनों के लिए मना है। मैं ये कहता हूँ कि अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी औरतों को तालीम। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप उनको डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और पेशे से मुंसलिक ही करें, वो उनकी मर्ज़ी हो सकती है, वो आपकी मर्ज़ी हो सकती है, फैमिली की मर्ज़ी हो सकती है, लेकिन तालीम और तरबियत तो ज़रूरी है। आप उनको तालीम दें, हुनर ना दें भले, तालीम तो दें। आप उनको तालीम दें कि अगर उनके साथ कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो वो आपसे बयान करें। आप उनको एतमाद दें कि उनके साथ कोई भी, किसी भी किस्म का कोई भी मसला पूरी ज़िंदगी में कभी भी पेश आ जाए तो वो उसे बयान कर सकें, खुल के बयान कर सकें। आप उनको एतमाद दें कि आप उनके साथ हैं, हालात कुछ भी हो आप उनके साथ हैं, उनकी सपोर्ट में साथ हैं, आप उनके हर हालात के अंदर साथ खड़े होंगे। आप उनके भाई हैं, आप उनके बाप हैं, आप उनके शौहर हैं, जो भी आपका रिश्ता है, आप उस रिश्ते के तहत अपनी औरतों को एतमाद दें कि वो अकेली नहीं है, ज़माना उन्हें खा नहीं जाएगा क्योंकि आप मौजूद हैं। आप उनके
साथ उनके साये की तरह मौजूद हैं, आप उनकी हिफाजत के लिए हर वक्त उनके साथ हैं, तब ही एक औरत आज़ादी महसूस करेगी। औरत को तालीम दें, इज्जत दें, सब कुछ दें। मैं बहुत देर से इस बात के ऊपर बोल रहा हूँ, लेकिन ये होगा कैसे? क्या ये लॉन्ग मार्च करने से हो जाएगा, या औरतों की मार्च करने से हो जाएगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी करने से हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ये तब ही मुमकिन होगा जब एक औरत दूसरी औरत को ताकत देगी। एक औरत ही दूसरी औरत को ताकत दे सकती है। कैसे दे सकती है? जी, वो ऐसे दे सकती है कि जब एक औरत माँ बनती है, उसके बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों को तालीम दे, वो तरबियत करेगी। वो तरबियत अपने बच्चे की तभी कर पाएगी जब उसको खुद को तालीम होगी। वो अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह से करें, वो अपने बच्चों को अपनी बच्चियों के सच्चे भाई बनाएं। वो अपने बेटों को ये सिखाएं कि अपनी बहन का तुमने मुहाफिज बनना है। उससे ज़्यादा आपने अपने बेटे को ये सिखाना है कि दूसरे की बहन बेटी की आपने उतनी ही इज्जत करनी है जितनी आप अपनी बहन की करते हो। तभी आपकी बहन की इज्जत महफूज है। आप अपनी बहन की इज्जत के लिए हर वक्त उसके साथ नहीं मौजूद हो सकते। ये तो माशरे को चेंज करना होगा। माशरा जब ही चेंज होगा जब आप चेंज होंगे। आपने अपने बच्चे को ये तालीम देनी है कि वो दूसरों की औरतों की इज्जत करे। अपनी बेटी को जहाँ आप ये सिखा रहे हैं कि आपने अपनी नज़र की हिफाजत करनी है, वहीं अपने बेटे को भी तो ये सिखाएं, तभी माशरा चेंज होगा। वो दूसरों की औरतों की जब इज्जत करेगा, आपकी बेटी की इज्जत खुद ब खुद हो जाएगी। हर अमल का मुकाबला है अमल। आप अगर दूसरे की बच्चियों को तंग कर रहे हैं, आपका लड़का दूसरे की लड़कियों को तंग कर रहा है, तो आपकी लड़के लड़कियां कैसे महफूज हो सकती हैं? हर अमल का मुकाबला है अमल। तो ये तो हमें बदलना होगा। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को एतमाद में लेते हुए हमने अपने बच्चों की इसी तरह तालीम करनी है, अपनी बच्चियों की तालीम करनी है कि आपने डरना नहीं है। तभी ये मुमकिन होगा कि आपकी बेटी अपने घर में नहीं डरेगी, वो ज़माने से नहीं डरेगी, वो अपने शौहर से नहीं डरेगी। मैंने बहुत सी औरतों को महज इस बात पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हुए देखा है कि अगर उन्होंने अल्लाह ना करे तलाक ले ली तो उनकी फैमिली की इज्जत चली जाएगी। फैमिली की इज्जत चली जाएगी इस डर से उसने किसी ऐसे मर्द के साथ, किसी ऐसे शौहर के साथ गुजारा कर लिया जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था, जो उसको मारता होगा, पीटता होगा, उसके लिए तो ज़िंदगी जहन्नुम बना दी होगी, लेकिन उसने गुजारा किया। क्यों किया? अपने बाप की, अपने भाइयों की, अपनी फैमिली की उस इज्जत को बचाने के लिए। क्या इस्लाम ऐसा कहता है? इस्लाम ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। इस्लाम ने तलाक रखी क्यों? गैर पसंदीदा लेकिन हलाल अमल है। हिंदू मजहब में तो तलाक है नहीं, वहाँ उस कल्चर को प्रमोट किया गया है। तो हमारे यहाँ तो इस्लाम ने तलाक का निज़ाम इसीलिए डाला था कि आपने अगर देखें, इंसान है, फैसले हो जाते हैं, गलत फैसला हो गया। हमने किसी लड़के को अपनी बहन के लिए चुना, वो गलत फैसला था। हम इंसान हैं, कोई खुदा नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तो हमसे गलत फैसले हो सकते। हमने गलत फैसला ले लिया, एक लड़का गलत चुन लिया। अब क्या ज़रूरी है कि उस गलत फैसले की सज़ा हमारी बहन सारी उम्र भुगतेगी? क्यों भुगतेगी? तो इस चीज़ को बदलना होगा, इस चीज़ को सही करना होगा। और ये मुमकिन तभी होगा जब हम अपनी बहन बेटियों की तालीम और तरबियत करेंगे। हमें उन्हें तरबियत देना होगी, तभी ज़िंदगी सुकून में आएगी, तभी हमारा माशरा एक अच्छी कौम बन के उभरेगा और तरक्की करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।